It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Zafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। सहजादा नवाब बनना चाहता है और सहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में देश में लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर पहले से ही विवाद खड़ा है। बीजेपी जहां राहुल गांधी की तरफ से माफी मांगने की मांग पर अड़ी है, वहीं कांग्रेस सिरे से इस मांग को खारिज कर रही है। एक दूसरे पर हमले के क्रम में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मौजूदा राजनीति के मीर जाफर से कर दी। कांग्रेस ने बीजेपी नेता के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को मीर जाफर कहने को लेकर कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पवन खेड़ा ने संबित पात्रा के राहुल गांधी के मौजूदा दौर के मीर जाफर वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही करारा जवाब मिलेगा। उसका जवाब उन्हें बहुत जल्दी मिलेगा और ऐसा करारा जवाब मिलेगा, हम भी इनसे कुछ कुछ सीख रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाता है, बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित राज्यों में संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। दरअसल कांग्रेस का इशारा विरोधी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर था। दरअसल पहले भी कांग्रेस नेता PM मोदी को लेकर शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, उसका अंजाम उन्हें काफी हद तक भुगतना भी पड़ा है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी भी कांग्रेस की भाषा बोलकर कहीं फंस तो नहीं जाएगी? बीजेपी भी राहुल पर हमले को लेकर उसी रास्ते पर तो नहीं चल रही है जिस रास्ते पर कांग्रेस PM मोदी को लेकर चलती है? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मीर जाफर की राजनीति में एंट्री हुई है। मीर जाफर का प्रयोग अक्सर राजनीतिक दल विरोधियों पर हमला करने के लिए करते हैं। इससे पहले खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद और आसाम के मौजूदा CM हेमंत बिश्व शर्मा के लिए मीर जाफर शब्द का प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, साल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तब उनके लिए भी प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने मीर जाफर शब्द का प्रयोग किया था। बता दें, देश में मीर जाफर का नाम विश्वासघात और गद्दारी का पर्याय बन चुका है। मीर जाफर 1857 से 1860 तक बंगाल का नवाब था। इससे पहले वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसने नवाब से गद्दारी कर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। इससे नवाब को अंग्रेजों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। विश्वासघात की एवज में ही उसे नवाब की गद्दी मिली थी। मीर जाफर के गद्दारी की कीमत सिराजुद्दौला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी।